हाँ बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो है लॉस ऑफ मोशन। अब मोशन तो आप पढ़ चुके हो अभी तक कि मोशन होता क्या है, चेंज इन पोजीशन, तो हम इसकी बात तो हम कर चुके हैं पहले। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है लॉस, विच मीन्स कॉजेज ऑफ मोशन, कि मोशन जो होता है अगर कोई भी पार्टिकल अगर मूव करता है वो क्यों मूव करता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। और इन सारे लॉस को एक बहुत फेमस, जिनका नाम तो आप जानते ही होगा, सुना ही होगा, उन्होंने लिखा है सारे लॉस, और उनको हम बोलते हैं न्यूटन अंकल। कई बार प्यार से उनको न्यूटन अंकल ही बोलते हैं हम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो ये सारे लॉज आर ऑल्सो नोन एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और इस चैप्टर को कई बार अलग नाम से NLM इसके नाम से भी जाना जाता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी जाना जाता है, हालांकि आपके NCERT में लॉज ऑफ मोशन के नाम से ये चैप्टर दिया हुआ है। नाउ न्यूटन ने क्या लॉ दिया, क्या कॉजेज बताया कि मोशन क्यों होता है, ये सारी बातें करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। और हम उससे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि न्यूटन टॉक्स अबाउट फोर्सेस, तो हम पहले फोर्सेस की बातें करेंगे कि फोर्सेस होता क्या है, कितने कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस होते हैं, और फिर हमने डे टू डे लाइफ में जो फोर्सेस के नाम सुने हुए हैं उन सबकी बात करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो मोस्टली आज का जो लेक्चर है उसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो पहला लॉ है, उसकी बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे, और देखते हैं अगर समय बचेगा, वैसे समय बचेगा नहीं, तो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है अगले लेक्चर में, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ की बात हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लॉज ऑफ मोशन में फोर्सेस की बात करेंगे, और फोर्सेस इनको चार मेजर कैटेगरीज में, फोर्स को चार मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी तो डिफाइन किया गया है ग्रेविटेशनल फोर्सेस को। ग्रेविटेशनल फोर्स हम डे टू डे इंटरैक्ट कर रहे होते हैं इसके साथ, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो फोर्स है इसको हम डेली इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, मतलब कि हम जमीन पे चल पा रहे हैं, जमीन पे हैं, कोई भी पार्टिकल जो है, अगर मैं कोई भी पार्टिकल को ड्रॉप करूं तो जमीन की तरफ जाता है, या फिर मून जो है वो अर्थ की चारों ओर, या अर्थ सन के चारों ओर जो घूम रहा है, वो सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। एंड देयरफॉर इसके नाम से तो हम रूबरू हैं, ठीक है। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स विच एग्जिस्ट इन नेचर इज इलेक्ट्रो मैग्नेटिक। मतलब एक टर्म तो आपने इलेक्ट्रो पढ़ा ही होगा, इलेक्ट्रो स्टैटिक्स आपने पढ़ा है इन 10th, तो ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। और इसके द्वारा जो फोर्सेस होता है, ये फोर्सेस हमें दिखते नहीं है, बट ये फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप चल पा रहे हो जमीन के ऊपर, इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि देयर इज सम फ्रिक्शन बिटवीन योर लेग्स एंड द अर्थ, या जिस फ्लोर पे आप चल रहे हो उसके ऊपर अगर कोई फ्रिक्शन है जिसकी वजह से आप चल पाते हो। आइस पे चलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, एंड दैट फ्रिक्शन बिलोंग्स टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो होते हैं वो दिखते नहीं है, बट दे आर एक्टिंग ऑल द टाइम। टेंशन फोर्सेस, नॉर्मल फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस, ये सारे इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को। एंड ये काफी ज्यादा आप 11th 12th, इसमें आप इनफैक्ट 12th के अंदर ये वाला जो टॉपिक है आप डिटेल में पढ़ने वाले हो, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म, हम 12th में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ फोर्सेस विच मोस्टली हम डे टू डे लाइफ में इंटरैक्ट नहीं करते हैं, विच इज वीक फोर्सेस। चौथा जो है ये कैटेगरी हो गया वीक फोर्सेस। टिपिकली ये वो फोर्सेस हैं न्यूक्लियर प्रोसेसेस के अंदर जो इन्वॉल्व फोर्सेस हैं, उसको हम वीक फोर्सेस बोलते हैं। एंड आप ये अगेन 12th के अंत में ये वाले टॉपिक्स पढ़ने वाले, तो इसकी चर्चा हम अभी बहुत डिटेल में नहीं करने वाले, इनफैक्ट करने ही नहीं वाले हैं। और चौथे टाइप का फोर्स जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ये जो फोर्स है ये यूजली न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उसके बीच में जो लग रहा होता है फोर्स, उसको हम स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं। एंड दिस ऑल्सो वी डोंट इंटरैक्ट ऑन डे टू डे लाइफ, बट मैटर जो हम जानते हैं, मैटर अपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, तो मैटर एज वी नो टुडे इज बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ है, आपको पता ही है, और एटम जो है उसके अंदर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड समथिंग विच इज होल्डिंग देम टुगेदर इज द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। तो चार फोर्सेस की बात करी, एंड इनफैक्ट ये चार के अंदर सारे दुनिया के जितने भी फोर्सेस हम जानते हैं, समझते हैं, वो सारे इन चार फोर्सेस के अंदर कैटेगराइज हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों, ये कोई भी एक पार्टिकल, मान लो अर्थ और उसके दूसरे पार्टिकल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो कि हम 11th के थोड़ी दिनों के बाद हम पढ़ाई करने वाले हैं ये वाला टॉपिक। और इस पूरे टॉपिक, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर ही आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, इसमें तो पूरा का पूरा यूनिट पढ़ने वाले हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में। तो ये होता क्या है, इनफैक्ट आपने जो टर्म देखा होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। और
हम बात करते हैं ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है, ये होता है, ये सब अभी हम केवल टर्म लिख देते हैं बट इसको हम बाद में ही पढ़ेंगे, जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर बेसिकली एक ये कांस्टेंट होता है, कोई एक कांस्टेंट है, अभी हम फिलहाल इसकी बात नहीं करने वाले, जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ये दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और अगर उसमें से एक ऑब्जेक्ट धरती पर रखा हुआ है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसको एम जी अगर हम मास बोल देते हैं, उसका एम है, तो जी बिकम्स, जी क्या हो जाएगा, जी ये वाला टर्म हो जाएगा, एक ये मास ऑफ द अर्थ, अगर इसमें से एक मास ऑफ द अर्थ हो गया, एक रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, तो जी इज नथिंग बट जी विल बी इक्वल टू जी एम ई मास ऑफ द अर्थ बाई आर स्क्वायर, हम इसको जी बोलते हैं। एंड दिस फोर्स Always acting towards the center of the earth. Always acting towards, मतलब दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, towards the center of the earth. Center of the earth. और इसकी हम बात करेंगे आज के लेक्चर में कि mg क्या होता है और ये किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है। बट ये आपको समझ में आ गया कि ये जो होता है, कोई भी मास जब अर्थ के साथ इंटरेक्ट करता है, उस अर्थ पे एक फोर्स लगाएगा और वो अर्थ जो है उस मास के ऊपर एक फोर्स लगाएगा इस तरीके से कि ये ऑब्जेक्ट जो है हमेशा इसकी तरफ खींचा हुआ रहता है सेंटर की ओर। मतलब अगर आप अर्थ से कोई भी चीज को ऊपर करो वो नीचे ही जाएगा, बिकॉज अपने आप हवा में ऊपर नहीं चला जाएगा, बिकॉज अर्थ उसको हमेशा अपनी सेंटर की तरफ खींच रहा होता है। एंड देयरफॉर दिस फोर्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हम यहां पे बात करने वाले हैं टेंशन, आप मत लेना टेंशन फोर्स, फिर हम बात करने वाले हैं यहां पे नॉर्मल फोर्स, और हम बात करने वाले हैं यहां पे फ्रिक्शन फोर्स। हम ये फोर्सेस की बात करने वाले, फ्रिक्शन है हम एक अगले चैप्टर, मतलब अगले यूनिट में फिर फ्रिक्शन को पढ़ेंगे, पहले अभी हम सारी चीजें विदाउट फ्रिक्शन पढ़ेंगे और फिर हम फ्रिक्शन को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एक साथ इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है ना। तो टेंशन, नॉर्मल और फ्रिक्शन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज है विच कैन बी क्लासिफाइड फॉर दी पर्पज ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। मतलब जितने भी हम चैप्टर्स अभी पढ़ने वाले हैं उनमें ये तीन फोर्सेस कॉमनली आपको दिखेंगे। इसके अलावा विल ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्प्रिंग फोर्स, हम इसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। तो ये सारे फोर्सेज, मोस्ट ऑफ द फोर्सेज आर क्लासिफाइड अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, हम इसी के अंदर सारी फोर्सेज की बात करने वाले। तो ये आपके पास डिफरेंट चार तरीके के फोर्सेज हैं, एक बार मेरे साथ रिपीट कर लो, क्या क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ या किसी भी प्लैनेट, दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है M1 है M2 है, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। और यूजली हम जो बात करेंगे आज के लेक्चर में वो हम इसकी बात करेंगे विच इज ऑल्सो नोन एज वेट, और ये एक तरीके का फोर्स है mg बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो हम इसकी बात करने वाले हैं, फिर टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन, स्प्रिंग, इन सब की हम बात करेंगे। स्प्रिंग फ्रिक्शन धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे हम एज वी मूव ऑन इन आवर चैप्टर्स, और इन दोनों चीजों की हम बात आज के लेक्चर में हम नहीं करने वाले। इनफैक्ट पूरे 11th में वीक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की हम बात नहीं करने वाले, 12th में भी आखिरी में आते आते हम वीक और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की बात करना शुरू कर देंगे जब हम एटम, न्यूक्लियर, इनफैक्ट केमिस्ट्री में आप फिर भी इनके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे, स्पेशली न्यूक्लियर प्रोसेस से रिलेटेड जो भी फोर्सेस हैं उनकी बातें केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत पढ़ना शुरू कर दोगे, बट फिजिक्स में हम इसको लास्ट में ही लेके आएंगे 12th में। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया ये चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब न्यूटन अंकल ने क्या बोला भाई, न्यूटन अंकल ने बोला कि भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि चार तरीके के फोर्सेस हैं, बट ये एक्ट क्या करते हैं, किस लॉ से गवर्न होते हैं। तो उन्होंने तीन लॉ दिए, न्यूटन अंकल ने तीन लॉ दिए। फर्स्ट लॉ, और आज हम इसकी ही बात करने वाले हैं। फिर उन्होंने एक सेकेंड लॉ दिया, लॉ तो लिख लेंगे बट डिटेल में हम, और फिर उन्होंने थर्ड लॉ दिया। ठीक है, तीन लॉ दिए और कहा कि तीन लॉ से आप मोस्ट ऑफ द फिजिक्स को समझ सकते हो। मतलब बोला उन्होंने, फर्स्ट लॉ बोला इट इज अबाउट इक्विलिब्रियम, तो हम बात करेंगे उसके बारे में और इसको डिटेल में करेंगे। इन्होंने बोला कि इफ व्हेन, और इफ लिख लेता हूं ज्यादा बेटर है, an object will continue to be in rest or continue to be in rest or constant velocity
until unless an external force acts on it, blah blah blah. ठीक है, ये दिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर अगर मोशन में है विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है. मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मान लो आप किसी की तरफ खींचे हुए चले जाते हो, है ना, तो क्या होता है, आप उसकी तरफ एक्सेलरेट कर रहे हो, मूव कर रहे हो उसकी तरफ, जब तक एक टीचर एक पेरेंट कोई आके आपको नहीं बोलता बेटा गलत काम गलत बात, और अगर वो बोलता है तो वो क्या काम कर रहा है, वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. तो जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो या तो रुका रहेगा, या रुका रुकने का मतलब है कि आपको कोई कोई मन ही नहीं था, बिल्कुल कॉन्स्टेंटली पढ़ाई कर रहे थे लेकिन दोस्त आके चुल कर देता है आपको, ठीक है, बोलता है भाई उधर जाना है उधर घूमना है, और तुरंत आप उधर की ओर अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन यू. तो जब तक आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा तो रुके हुए थे आप, बिल्कुल मेहनत कर रहे थे, और अचानक से आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आया, आपके दोस्त का इन्फ्लुएंस आया और आप उधर भाग गए चले गए. और दूसरा ये हो सकता है कि आप मूव कर रहे थे और जब तक कोई रोकने वाला नहीं था, जैसे कि पेरेंट या टीचर कोई रोकने वाला नहीं था, तब तक आप मूव कर रहे थे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपको नहीं जाना चाहिए था. ठीक है, तो बेसिकली ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ है. वैसे भी सारे फिजिसिस्ट जो होते हैं वो फिलोसोफर ही होते हैं. सेकेंड लॉ क्या बोलता है, तो दिस इज द फर्स्ट लॉ और इसके बारे में अभी आप डिटेल में करने वाले हैं और डिटेल में हम इसकी बात करेंगे फर्स्ट लॉ की. सेकेंड लॉ क्या बोला न्यूटन जी ने बोला कि भाई अगर कोई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उन सबका सम जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, या फिर उन्होंने तो ये बोला था कि भाई व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स देन द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट देन द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट. और इनफैक्ट इसको बहुत सारे और तरीकों से पढ़ा गया है, बताया गया है कि when an object or when an external force acts on the object then it is always equal to the rate of change of momentum. तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे. उन्होंने बोला कि एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्चुअल डेफिनेशन यही था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, मोमेंटम क्या होता है भाई, मास इनटू वेलोसिटी, इसकी बात हम नहीं करेंगे. फॉर अ कांस्टेंट मास, मतलब जनरली हम जो भी अभी बात करने वाले हैं अगले कुछ चैप्टर्स तक, हम केवल कांस्टेंट मास, मास चेंज नहीं हो रहा, मतलब कि रेत अगर आपके हाथ में और वो गिर रहा है तो रेत का आपके हाथ में जो रेत का मास था वो कम होता जा रहा है. तो हम वैसे केसेस अभी बात नहीं करने वाले जिसमें कि पार्टिकल जो है उसका मास चेंज हो रहा है. जैसे रॉकेट है, रॉकेट अगर जा रहा है तो उसका मास कम हो रहा है क्योंकि उसमें से जो फ्यूल बर्न होता है वो जो जिस तेजी से निकलता है जिसकी वजह से रॉकेट जो है ऊपर की ओर जा रहा होता है. तो उसका की बात अभी हम इन चैप्टर्स में अगले कुछ चैप्टर्स में नहीं करने वाले. तो न्यूटन अंकल ने ये बोला था कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल. बट अभी हम क्या बोलेंगे, अभी हम केवल इसको समझेंगे सेकंड लॉ को, कि जब भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा. जब भी उसके ऊपर कोई खींचने की कोशिश कर रहा है, भले ही उसके कॉन्टैक्ट में है या उसके कॉन्टैक्ट में नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर उसको कोई खींच रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा जब तक कि उसको कोई दूसरा फोर्स रोक नहीं रहा है तब तक. ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स जो कि बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, इसको और बेटर कर देते हैं, टू एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स. फॉर प्रिसाइज डेफिनेशन बच्चों एनसीईआरटी फॉलो कर लेना, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स देन द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट. ठीक है, ये न्यूटन जी ने बात करी. थर्ड लॉ में न्यूटन अंकल ने क्या बोला, थर्ड लॉ में न्यूटन अंकल ने बोला कि भाई एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ऑपोजिट रिएक्शन मतलब जितने भी, मतलब कोई भी दुनिया में फोर्स अकेला नहीं लग सकता है. अगर किसी ने फोर्स लगाया है तो उसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा. कोई भी चीज दुनिया में अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकती. एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा होगा. ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि एक ऑब्जेक्ट केवल फोर्स लगाए उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा हो. ठीक है,
तो न्यूटन के थर्ड लॉ टॉक्स अबाउट दैट। चलो तो यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल अब हम इन सबको हटाते हैं और वी मूव टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो लिखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स, ये सम का साइन है बेटा, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स मतलब कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, उन सबका जो एडिशन है, अगर ये चीज जीरो है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो पे है, या फिर अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो वैसे ही मूव करता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे है, रुका हुआ है, अगर एक्सटर्नल फोर्स है, एक ऑब्जेक्ट पहले से रुका हुआ है तो वो रुका ही रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि उसको कोई रोकने वाला नहीं आता है, ठीक है। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ का मतलब है। नाउ दिस होल थिंग लीड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, ऑब्जेक्ट पे कोई मोशन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आती है कि ये अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑब्जेक्ट किस में रहेगा, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम भी दो तरीके से डिवाइडेड है बच्चों, एक है ट्रांसलेशनल जिसमें हम अभी बात करेंगे, और दूसरा होता है जिसको हम बहुत आगे 11th में बात करेंगे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम हम बात करेंगे कि अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम होगा, वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ट्रांसलेशनल का मतलब हो गया सीधे चलने वाले, गोल नहीं घूम रहा है, रोटेशन का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में नहीं घूम रहा है, किसी एक कर्व में नहीं घूम रहा है, हम केवल ट्रांसलेशन मतलब सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस केस में अगर नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में ऑब्जेक्ट होगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखोगे विच इज नोन एज टॉर्क, ठीक है, वो आगे आप सीखोगे। तो अभी हम केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां तक न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन ये है, बट इस एप्लीकेशन को फिजिक्स में समझने के लिए हमें सारे फोर्सेस एक एक करके समझना पड़ेगा, पहले हम उसको समझेंगे और फिर हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को, और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सारे फोर्सेस जो अभी हमने चार फोर्सेस किए थे मेजरली, हम सबसे पहला फोर्स जो हम बात करेंगे वो है वेट। वेट क्या होता है? वेट होता है एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन। एम इज मास एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपका एम इंटू जी होता है। नाउ ये अलग अलग हम सारे फोर्सेस को क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, क्योंकि अगर जब आप अलग अलग चीजों को समझ लोगे तो हम इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप सारे फोर्सेस को लगा के उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन आ गया तो आप पूरा मोशन समझो कि आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया तो आपको समझ में आ गया कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी आ गया, डायरेक्शन आ गया, तो उससे आपको बता सकते हो कि उसका पोजीशन कैसे चेंज हुआ। तो सारे मोशन की बात जो हमने पहले करा था वो हमें तभी समझ आएगा जब एक्सेलरेशन समझ आएगा, और एक्सेलरेशन को समझने के लिए हमें फोर्स समझना होगा, तो हम पहले एक एक करके सारे फोर्सेस को समझेंगे। नाउ वेट इज, जैसे मैंने बताया, वेट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट के बारे में मैं लिख देता हूं, अभी केवल अर्थ की बात करें तो इट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ये जो वेट है ये हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जाएगा। मान लो एक ब्लॉक है, इसको मैंने कहीं एक टेबल के ऊपर रखा, अब ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है, इसके ऊपर अगर मुझे वेट ड्रॉ करना है तो वेट हमेशा किधर होगा, नीचे की ओर होगा, वेट का डायरेक्शन। और हम एक जब भी हम फिजिक्स में बात कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन से मतलब है, क्योंकि फोर्स क्या है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैं लिख भी देता हूं यहां पर, फोर्स
इज अ जिसका एसआई यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन अंकल के नाम पे, या फिर हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं इसको, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और आप अलग अलग सीजीएस यूनिट में अलग से पढ़ोगे आप, ठीक है, और अलग अलग तरीके से आपने पहले ही पढ़ा होगा यूनिट्स में, तो आप वहां पे देख लेना इस चीज को। नाउ एमजी इज मास टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, कुछ इस तरीके से एमजी एक्ट करेगा एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो एमजी किधर एक्ट करता है, सेंटर ऑफ द अर्थ, और हमेशा उसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की ओर होगा। मान लो इसी ऑब्जेक्ट को मैं एक इस तरीके से डायरेक्शन में रख देता, अभी भी इसका वेट क्या है, एम है। अब मैं बोलूं कि वेट ड्रॉ करना है आपको, कि वेट का डायरेक्शन ड्रॉ करना है, तो वेट विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका डायरेक्शन नहीं बदलने वाला भैया, ये तो नीचे ही एक्ट करेगा, ठीक है। मान लो एक इस तरीके से एक पेंडुलम में एक मास अटैच्ड है ऐसा, और मुझे इस पे वेट ड्रॉ करना है, तो क्या होगा, इसमें भी आप बोलोगे वेट तो नीचे की ओर ही होगा इस तरीके से mg, एंड देयरफॉर वेट विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, या फिर वेट विल ऑलवेज एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमेशा याद रखना बच्चों कि वेट जो है हमेशा नीचे की ओर एक्ट करेगा। मान लो एक हम रस्सी से एक मास को अटैच कर देते हैं, इसका मास नहीं है रस्सी का, और ये जो मास अटैच किया है केवल इसका मास है, तो इस पे मैं अगर वेट पूछूं तो किधर दिखेगा, इस पे भी नीचे की ओर ही दिखेगा, इस तरीके से mg दिखेगा। मान लो दो मास लटका देता हूं मैं एक रस्सी से, ठीक है, एक इस तरीके से, ये इसको बोल देते हैं m1, एक और रस्सी है, और दूसरे मास को यहां पे हम m2 इस तरीके से कर देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसके ऊपर वेट ड्रॉ करो, तो एक बार आप खुद से ड्रॉ करो, क्या है आपके पास, इधर इसका वेट नीचे की ओर ये m1g, और इसका वेट नीचे की ओर वो हो गया m2g, ठीक है, इस तरीके से इसका वेट m1g, इसका वेट m2g। मान लो एक मास को दूसरे मास के ऊपर रख देते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मैं अभी आपको बता रहा हूं यह एक एक मास को हम एक एक फोर्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं आपको बोलूं कि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर और आपको सारे फोर्सेस ड्रॉ करने हैं, तो यू ड्रॉ एक, सबसे पहले कोई फोर्स आप मिस नहीं करो, और दूसरा आप सही डायरेक्शन में फोर्सेस को ड्रॉ कर पाओ, एंड दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज फोर्सेस इन डिटेल, इसीलिए बहुत जरूरी है इन फोर्सेस को डिटेल में समझना। तो मान लो इन सारी चीजों को मैं एक दो मासेस को एक दूसरे के ऊपर रख देता हूं, ये हो गया m1, ये हो गया m2, और ये कहीं रखा हुआ है जमीन के ऊपर, और आपसे मैं बोलूं कि इसका वेट का डायरेक्शन बताना है, तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, आप बताओगे कि भाई m2g ये नीचे की ओर एक्ट कर रहा है और m1g भी नीचे की ओर एक्ट कर रहा है इस तरीके से, सच दैट इसका टोटल वेट m1 प्लस m2g नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसका वेट m2g, m1 का वेट m1g, और इसका कोई मतलब नहीं है m1 और m2 के ऊपर रखा हुआ, इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कॉन्टैक्ट में है वो कॉन्टैक्ट में नहीं है, जैसे कि आपने इस केस में देखा ये रस्सी के द्वारा कांटेक्ट में था, ठीक है, बट दोनों का वेट नीचे की ओर लग रहा था, यहां पर सिंगल मास लगा हुआ था, ये नीचे की ओर लग रहा था, यहां पे एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक मास रखा हुआ था, ये भी नीचे की ओर लग रहा था, और यहां पे सिंपली एक टेबल या किसी भी फ्लोर के ऊपर एक मास रखा हुआ था, इसका भी वेट नीचे की ओर लग रहा था, तो ये अब तो आपको, और पेंडुलम जो है जैसे मैंने यहां पे रखा और एक पेंडुलम यहां पे मास लगा दिया और वो नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो यहां पे भी वेट जो है नीचे की ओर लग रहा था, तो किसी भी सिचुएशन में आप देखो वेट हमेशा नीचे की ओर ही लगता है। आई होप आपको अभी तक ये सब कुछ समझ में आ गया हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्स के ऊपर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्स के ऊपर, और उस फोर्स को बोल देते हैं भाई बहुत टेंशन देता हो, टेंशन फोर्स, जिसको हम टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगेन टेंशन जो है एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो कैसे आया उसकी अभी हम बात नहीं करते, बट टेंशन इज ऑलवेज, इसके लिए हम कुछ रूल सेट भी लिख लेंगे टेंशन को समझने के लिए, हमेशा एक रस्सी स्ट्रिंग उस टाइप के चीजों में लगता है जिसे आप वेट को लटकाते हो या वेट को होल्ड करते हो उसके ऊपर टेंशन फोर्स लगता है। सो टेंशन इज अ फोर्स विच विल act along a
इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रिंग शुड बी टाइट, ढीला जो स्ट्रिंग है या स्लैक स्ट्रिंग जो है, अगर मान लो रस्सी ऐसे रखा हुआ है, वो जब तक खिंचाव नहीं होता उसमें, तब तक उसमें टेंशन फोर्स नहीं आता है। तो टेंशन तभी लगेगा जब स्ट्रिंग जो है बिल्कुल खिंचा हुआ है, मतलब कि अगर मैं स्ट्रिंग को लूज छोड़ दूं तो उसके ऊपर कोई टेंशन फोर्स नहीं होगा। जैसे ही आप उसको खींचते हो, या तो आप खुद से खींचते हो या फिर उस पर वेट लगा देते हो, उसकी वजह से उसके अंदर कुछ टेंशन आ जाएगा। तो इट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग अ टॉट स्ट्रिंग, ठीक है। टॉट का मतलब होता है टाइट स्ट्रिंग या फिर नॉट स्लैक, नॉट स्लैक का मतलब है ढीला नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर टेंशन लगता है, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, इट इज अ पुलिंग फोर्स। मतलब वो वैसे भी आपको पता ही है टेंशन आपको खींचता है ना अपनी तरफ, तो बेसिकली टेंशन जो है हमेशा अपनी तरफ खींचता है। मान लो दो ऑब्जेक्ट रस्सी से बंधे हुए हैं, तो टेंशन, अगर मेरे को टेंशन फोर्स निकालना है तो दोनों ऑब्जेक्ट को टेंशन क्या करेगा, दोनों ऑब्जेक्ट को अपने से दूर नहीं जाने देगा, वो दूर जाने की कोशिश करेंगे तो उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। एंड वी विल शो यू इन अ मिनट स्टाइल। तो मान लो जैसे अभी हमने यहां पे ड्रॉ किया था एक ब्लॉक ऑफ मास m, और इसमें टेंशन फोर्स अज्यूम करना था। अभी केवल टेंशन की बात कर रहे हैं, अभी हम वेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या अज्यूम करना चाहिए, हमें अज्यूम करना चाहिए यहां पे कि भाई मान लो तुम टेंशन हो, तो तुम क्या करोगे, इसको, इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचोगे और इधर से इस रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे। मतलब अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरीके से इसके ऊपर टेंशन, मैं ऐसे दिखाऊंगा कि इसके ऊपर टेंशन इधर की ओर लगा और जो ऊपर वाला जो स्ट्रिंग का पोर्शन था इसके ऊपर टेंशन जो है इधर की ओर लगा। सो टेंशन इज, सबसे पहले क्या है, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, टेंशन क्या हो गया, एक पुलिंग फोर्स हो गया। एंड इट, दूसरा पॉइंट हो गया, इट ऑलवेज, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, दे ऑलवेज एक्ट इन पेयर। इनफैक्ट दुनिया में न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली दुनिया में जितने भी फोर्सेस हैं सब पेयर में एक्ट करते हैं। अगर एमजी की बात कर रहे हो तो केवल एक ऑब्जेक्ट को आपने अलग कर दिया, इसलिए आप एमजी की बात उसके ऊपर अलग से दिखा पाते हो। लेकिन अगर एमजी उसके ऊपर लग रहा है तो वो भी अर्थ को उसी फोर्स से खींच रहा होगा। एंड देयरफॉर, चूंकि अर्थ को हम नहीं लेते हैं मोस्ट ऑफ द इक्वेशन या मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स में, इसीलिए हम एमजी केवल उस पर लिख के छोड़ देते हैं, नहीं तो दुनिया में जितने फोर्सेस हैं सब पेयर में एक्ट करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे टेंशन कुछ इस तरीके से हो गया, टेंशन यहाँ पे इस ब्लॉक पे इधर लगा। और अगर मुझे कंप्लीट करना था तो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो हम इसके ऊपर एक और फोर्स लगा देंगे, विच इज एमजी। तो ये इस तरीके से एक टेंशन फोर्स हो गया। मान लो दो ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट कुछ यहां रखा हुआ है, ठीक है, और ये आपस में रस्सी से बंधे हुए हैं। और अब आपको बताना है कि भाई इसके ऊपर टेंशन कितना लग रहा है, इसके ऊपर टेंशन कितना लग रहा है इस स्ट्रिंग के ऊपर। तो एक चीज जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई कि इट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द टॉट स्ट्रिंग, मतलब कि अगर स्ट्रिंग टाइट नहीं है, स्ट्रिंग को कोई खींचने वाला नहीं है, अपने आप ही तो ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे को नहीं खींचने लग जाएंगे ना, दूर नहीं जाने लग जाएंगे, अंटिल अनलेस दे आर मैग्नेट विच इज रिपेलिंग ईच अदर, तो अपने आप ये दूर नहीं होने लग जाएंगे। तो इसलिए इस समय टेंशन जो है इसके ऊपर जीरो है, इसके ऊपर टेंशन कितना है, जीरो है। जैसे ही आपने एक बाहर से एक फोर्स लगा दिया, मान लो जैसे ही आपने एक फोर्स लगाया वैसे ही इसके अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ जाएगा। और होता भी है कि जब तक आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई फोर्स नहीं लगा है, तब तक आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर आ जाता है, भाई कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है या फिर ये करना है, तो आपको टेंशन आ जाता है। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जब तक ढीले छोड़े हुए हो आप, तब तक आपके ऊपर टेंशन क्या है, जीरो। वैसे ही स्ट्रिंग के ऊपर भी टेंशन, जब तक ही फोर्स नहीं लग रहा है तब तक टेंशन कितना हो गया, जीरो हो गया। अब मैंने क्या बताया कि अगर अब टेंशन ड्रॉ करना है तो क्या हो जाएगा, टेंशन को ड्रॉ करने के लिए, टेंशन को ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे भाई मैं अज्यूम कर लो कि भाई टेंशन आप हो, आप यहां पे हो, आप क्या करोगे, इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचोगे, इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचोगे, एंड दिस विल बी रिटन एज टी, इट विल बी रिटन एज टी। तो नेक्स्ट चीज यहां पे जो हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि स्ट्रिंग जो है, जो हम ये रस्सी की बात करते हैं, विल बी अज्यूम्ड एज मासलेस, स्ट्रिंग विल बी अज्यूम्ड फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि अगर मास हो जाएगा तो हम स्प्रिंग बोलेंगे उसको, तो स्ट्रिंग विल बी अज्यूम्ड एज मासलेस, हम उसको मासलेस मानेंगे, ठीक है। नाउ सो ये एक नया रूल आ गया आपके पास। अब मान लो एक और ब्लॉक लगा देते हैं, मतलब हम तीन ब्लॉक लगा देते हैं यहां पे, एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक, ये तीन ब्लॉक लगा देते हैं और तीनों को हम कनेक्ट कर देते हैं रस्सी के साथ। अभी भी टेंशन क्या हो जाएगा इसके ऊपर,
मान लो ये जमीन पे रखे हुए हैं इस तरीके से, अभी भी इसके ऊपर टेंशन जीरो, क्योंकि कोई एक्सटर्नल अपने आप ही ब्लॉक एक दूसरे को खींचने नहीं लग जाएगा। यहां पर टेंशन क्यों लगा था? क्योंकि इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था mg, जिसकी वजह से टेंशन आ गया था इसके ऊपर। यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सीधे डायरेक्शन में इसको कोई नहीं खींच रहा, अपने आप ब्लॉक आप एक दूसरे से दूर नहीं होने लग जाएंगे, इसलिए टेंशन क्या है दोनों स्ट्रिंग में जीरो है। लेकिन जैसे ही आपने एक फोर्स लगाया इसके ऊपर, जैसे ही आपने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, वैसे ही क्या हो जाएगा, वैसे ही इन सारे स्ट्रिंग में एक टेंशन आ जाएगा। मतलब यहां पे एक टेंशन, यहां पे एक टेंशन, और ये इसको इधर की ओर खींचेगा, ये इसको इधर की ओर खींचेगा, M1 को इधर खींचेगा, M2 को इधर खींचेगा। एंड नाउ कम्स द नेक्स्ट रूल अबाउट स्ट्रिंग एंड टेंशन, वो क्या हो जाएगा, फॉर डिफरेंट स्ट्रिंग टेंशन विल बी डिफरेंट। मतलब अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन अलग होगा। जैसे आपने यहां पे बोला कि अगर ये स्ट्रिंग है तो इन दोनों जगह पे जो टेंशन है, ये वाला जो टेंशन है उसको अगर मैं T1 बोल देता हूं, इसको ये भी T1 होगा, तो इक्वल एंड ऑपोजिट, सेम स्ट्रिंग में इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। मतलब ये जो टेंशन है वो इस मास पे भी T1 लगाएगा और इस मास को भी अपनी तरफ T1 से खींचेगा, लेकिन ये वाला जो टेंशन है वो इस मास को, M1 मास को, इसको M3 बोल देते हैं, M1 मास को T2 से खींचेगा, तो M2 मास को भी T2 से ही खींचेगा, क्योंकि ये टेंशन और ये टेंशन इट विल बी डिफरेंट। ये दोनों टेंशन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बिकॉज अलग स्ट्रिंग में अलग टेंशन लगता है, अलग स्ट्रिंग में अलग टेंशन लगता है, ये आपको गार्ड बांधनी है। तो अब बेसिकली ये सारी चीजें, अब इस पे हम कुछ केवल टेंशन के डायग्राम को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। मान लो एक मास है इस तरीके से, और वो ये मास कुछ इस तरीके से दो रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको डायग्राम बनाना है इस पे, जो भी अभी तक हमने जो भी सीखा है उसके हिसाब से। तो हम क्या डायग्राम बनाएंगे, और फिर एक और रूल लिखेंगे, ये मास है M, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे जाएंगे और बोलेंगे भाई इस मास को कितने हम कुछ खींच रहे होंगे अपनी तरफ, और ऑब्वियसली इस दीवार को भी अपनी तरफ खींचेंगे। तो बेसिकली हम इसके बीच में है और हम यहां पे दोनों तरफ से दीवार को भी और ब्लॉक को भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बढ़िया है। यहां पे हम चले गए, और यहां पे भी जो सीलिंग है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, और इधर से इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अब मैंने आपको अभी बताया कि स्ट्रिंग दोनों अलग अलग है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, इस चीज को बोलेंगे T1 और इस चीज को हम बोलेंगे T2, और मास M के ऊपर एक और फोर्स लगेगा जो अभी हमने सीखा था, वो क्या था, अभी हमने जो सीखा था वो था इसके ऊपर एक mg भी लगेगा। तो इस ब्लॉक के ऊपर अगर आपको फोर्सेस बनाने हैं, इस ब्लॉक के ऊपर अगर आपको फोर्सेस बनाने हैं, तो आप क्या बोलोगे, भाई इस ब्लॉक को अलग कर लो। इस ब्लॉक को अलग किया तो इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की ओर mg, एक फोर्स इधर की ओर T1 जो आपको दिख रहा है, इस फोर्स इसके ऊपर आपको ये वाला फोर्स दिख रहा है, ये वाला फोर्स दिख रहा है, और ये वाला फोर्स दिख रहा है, वो है इधर की ओर T2। और इस चीज को जब आप एक ब्लॉक को अलग कर लेते हो और उसके ऊपर सारे फोर्सेस को विजुलाइज करते हो, एनालाइज करते हो, उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी। जैसे आप इस बॉडी को अज्यूम कर लो, इस बॉडी को यहां से निकाल के फ्री कर दिया, फ्री बॉडी डायग्राम। एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट, मतलब फिजिक्स में इससे इंपॉर्टेंट चीज नहीं हो सकती है फ्री बॉडी डायग्राम से। अगर किसी बच्चे ने एक ऑब्जेक्ट को अलग करके उसके ऊपर सारे फोर्सेस को एनालाइज कर लिया कि उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं, वो बच्चा फिजिक्स में गलती कर ही नहीं सकता है, बिकॉज दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। मतलब मैक्स इसको कितना भी मैं बोलूं, फ्री बॉडी डायग्राम इज अंडररेटेड इन फिजिक्स। मतलब ये समझ में आ गया, फ्री बॉडी बनाना आ गया, तो आप फिजिक्स में गलती नहीं कर सकते हो। फिजिक्स में मतलब क्या, मैकेनिक्स में गलती नहीं कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे क्योंकि फोर्सेस को सही डायरेक्शन में नहीं डिफाइन कर पाते हैं, सही दिशा नहीं दे पाते हैं, या कोई ना कोई फोर्स छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो सही से एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नाउ यहां पे एक और रूल मैंने बोला था, तो एक और रूल क्या होगा, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग।
टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के डायरेक्शन में एक्ट करेगा अलोंग दी स्ट्रिंग. आप देखो यहाँ पे टेंशन किसके डायरेक्शन में कर रहा है, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में. यहाँ पे टेंशन किधर कर रहा है, यहाँ पे किधर कर रहा है, यहाँ पे भी टेंशन स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कर रहा है. इस तरीके से यहाँ पे भी टेंशन जो है वो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में कर रहा है. ठीक है, तो ये चीज समझ में आया, टेंशन जो है ये स्ट्रिंग के डायरेक्शन में. तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, टेंशन हमेशा एक टाइट स्ट्रिंग में ही लगेगा, मतलब नॉट स्लैक, नॉट स्लैक. स्लैक का मतलब होता है ढीला, इसका मतलब होता है ढीला. ठीक है, इट्स अ पुलिंग फोर्स, मतलब टेंशन हमेशा अपनी तरफ खींचता है. तो कोई भी मास पे अगर एक स्ट्रिंग लगा हुआ है तो उस मास को अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, तो टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स. इट विल ऑलवेज एक्ट इन पेयर, मतलब कि अगर मैं यहां पे टेंशन हूं, मैं समय हूं, मैं टेंशन हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस मास को पुल करूंगा अपनी तरफ और सीलिंग को भी अपनी तरफ पुल करूंगा. मैं यहां पे इधर इस दीवार को अपनी तरफ पुल करूंगा और इस ब्लॉक को भी अपनी तरफ पुल करूंगा. टेंशन ऑलवेज एक स्ट्रिंग में, टेंशन ऑलवेज एक्ट इन पेयर, टेंशन ऑलवेज एक्ट इन पेयर. ठीक है, यहां पे क्योंकि हमने केवल यही मास दिया है इसलिए मैं इस टेंशन की जरूरत नहीं है, इस टेंशन की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहां पे केवल एक मास लिया है, इसीलिए हम इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं हम केवल उसकी बात कर रहे हैं. तो टेंशन ऑलवेज एक्ट इन पेयर. स्ट्रिंग विल बी अज्यूम, जो उसके अंदर स्ट्रिंग है हम उसको अभी मासलेस मानेंगे फॉर द टाइम बीइंग. आगे हम मास वाले स्ट्रिंग भी कर लेंगे, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. फॉर डिफरेंट स्ट्रिंग, अलग स्ट्रिंग में अलग टेंशन होगा, टेंशन की वैल्यू हो सकता है सेम आ जाए, बट मोस्टली हम ये मान के चलेंगे कि अलग स्ट्रिंग है. जैसे ही आपको स्ट्रिंग दिख गया या गांठ दिख गई, मतलब अगर नॉट दिख गया स्ट्रिंग के अंदर, तो भी वो जो होगा वो अलग क्या होगा, टेंशन अलग मान लोगे. मान लो एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, एक स्ट्रिंग, और यहां पे एक मास इस तरीके से लगा हुआ है इसके ऊपर. ठीक है, अभी यहां पे मैंने वहां पे मास ही लगा दिया था, यहां पे मान लो ये यहां पे गांठ बंधा हुआ है ऐसा, तो इसके ऊपर टेंशन अलग होगा, इसके ऊपर टेंशन अलग होगा, इसके ऊपर टेंशन जो है वो अलग होगा, या फिर इधर से अगर देखें तो इधर की ओर टेंशन अलग अलग होगा, वो हम थोड़े से देर में बात करेंगे. तो तीनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग होगा. तो अगर स्ट्रिंग है या नॉट भी है, गांठ भी है, तो टेंशन अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग होगा. एंड टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अलोंग दी स्ट्रिंग. देखो अलोंग दी स्ट्रिंग टेंशन एक्ट कर रहा है. ठीक है, अलोंग दी स्ट्रिंग टेंशन एक्ट कर रहा है, मतलब टेंशन अलग डायरेक्शन में होगा, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होगा. जैसे हमने एक पिछले वाले केस में एक पेंडुलम का केस लिया था, तो यहां पे क्या होगा, टेंशन का डायरेक्शन जो होगा वो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होगा, कुछ इस तरीके से टेंशन स्ट्रिंग के डायरेक्शन में होगा. ठीक है, ये चीज समझ में आई. अब हम नेक्स्ट फोर्स के चलते हैं, विच इज द नॉर्मल फोर्स. नेक्स्ट फोर्स इज द नॉर्मल फोर्स. उसको एन से डिनोट करेंगे. सारे फोर्स हैं, सबका ऐसा यूनिट जो होगा वो न्यूटन ही होगा या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. सारे फोर्सेस हैं तो इसलिए हर एक का ऐसा यूनिट न्यूटन या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा. इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल फोर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. नॉर्मल अगेन जैसा टेंशन है वैसा एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, और वो कॉन्टैक्ट किससे आता है, इट विल बी बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट ड्यू टू एनी सर्फेस. जब भी किसी एक सर्फेस के साथ दूसरा ऑब्जेक्ट लगा हुआ होगा, चिपका हुआ होगा, तो वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा. और यहां से हम स्टार्ट करते हैं, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. सो फर्स्ट थिंग दैट वी विल लर्न अबाउट नॉर्मल फोर्स इज, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. अगेन जैसा टेंशन में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो इट विल ऑल्सो एक्ट इन पेयर. इट विल ऑल्सो एक्ट इन पेयर. ये भी नॉर्मल फोर्स भी क्या करेगा, पेयर में ही एक्ट करेगा. इट्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स, पेयर में एक्ट करेगा. मतलब मान लो एक ऑब्जेक्ट को आपने जमीन के ऊपर रखा हुआ है, तो नॉर्मल फोर्स क्या बोलता है, नॉर्मल फोर्स बोलता है इस जमीन और इस ब्लॉक के बीच में. मतलब अगर मैं इसको अलग कर लूं, ब्लॉक को अलग कर लिया और जमीन को मैंने अलग कर लिया, मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में, ये वाला सरफेस और ये वाले सरफेस के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट करते हैं, जिसको आपने नॉर्मल फोर्स बोल दिया. और वो नॉर्मल फोर्स क्या होगा, फिर से जैसे हमने टेंशन में किया था, हम अज्यूम करेंगे हम नॉर्मल हैं, पहले हम टेंशन थे, हम अब नॉर्मल हैं. और नॉर्मल क्या करता है भाई, अगर ये चिपक रहा होगा, ये दब रहा होगा, तो क्या करेगा, ये ब्लॉक को धक्का मारेगा ना. तो नॉर्मल फोर्स इज अ पुशिंग फोर्स, मतलब ये क्या करेगा, ब्लॉक को धक्का मारेगा और जमीन को भी धक्का मारेगा. एंड देयरफॉर दिस इज एन, दिस इज एन, एंड इट विल
ऑलवेज एक्ट इट विल ऑल्सो एक्ट इन पेयर. ठीक है, इट इज अ पुशिंग फोर्स, इट इज अ, ये हमेशा धक्का मारने वाला फोर्स है, इट इज अ पुशिंग फोर्स एंड इट विल एक्ट बिटवीन द सरफेस सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस. मतलब यहां पे आप देखो कि कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है, ये वाला जो है ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में था, राइट? तो ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में था एंड देयरफॉर ये कॉन्टैक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स. तो ये क्या होगा, अज्यूम करो कि ये जो है जमीन को धक्का मारेगा तो जमीन भी ब्लॉक को धक्का मारेगा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से. तो अगर ब्लॉक जमीन को धक्का मार रहा है नीचे की ओर, उसको पुश कर रहा है, तो जमीन भी इसको धक्का मारेगा किधर की ओर, ऊपर की ओर, एंड देयरफॉर दिस नॉर्मल एक्ट्स इन पेयर इस तरीके से. और ये आया क्यों था, बिकॉज ऑफ वेट, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर क्या लग रहा था, इस ब्लॉक के ऊपर, अगर ये एम ब्लॉक है इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था एम जी, तो ये एम जी की वजह से जमीन को धक्का मारने की कोशिश कर रहा था और जमीन जो है उसको ऊपर की ओर धक्का मार रहा था. And therefore, normal force comes because of the external force which is acting on this block known as mg. ठीक है? अब इसको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं. मान लो इसी ब्लॉक को मैं इसके ऊपर लेके जाता हूं, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाता हूं. तो अब आप देखो यहां पे इंक्लाइन प्लेन पे कॉन्टैक्ट सर्फेस को, सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट सर्फेस डिफाइन करो क्या है. तो भाई ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस इंक्लाइन सर्फेस. तो अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैं दोनों सरफेस को अलग अलग कर दूंगा. तो मैं क्या करूंगा, मैं एम को और नॉर्मल इस इंक्लाइन को अलग कर दूंगा. अब ये जो इंक्लाइन है इसके ऊपर धक्का मार रहा होगा किधर की ओर, ऊपर की ओर, तो ऊपर लगने वाला फोर्स इसके ऊपर ये हो गया और इंक्लाइन के ऊपर लगने वाला फोर्स इधर की ओर ये नॉर्मल हो गया. तो हम ये इंक्लाइन ऑब्वियसली हमने नीचे की ओर खींच दिया है, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे. ठीक है, सो बेसिकली जस्ट टू शो कि इसका डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. ये कौन लगा रहा है, ये नॉर्मल फोर्स, ये वेट जो है या ये ब्लॉक जो है ये इसके ऊपर लगाएगा और ये इंक्लाइन प्लेन इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगा सच दैट दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. नॉर्मल हम कई बार आगे जाते हुए केवल नॉर्मल लगाएंगे मास के ऊपर विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस. हमें इस सरफेस की, अगर ये सरफेस मूव नहीं कर रहा है तो इस सरफेस की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड देयरफॉर दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. ठीक है, ये इस तरीके से लगा, इस तरीके से यहां पे लगा. अब मान लो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, दो ब्लॉक रख देते हैं, ठीक है, एक एम वन रखते एक एम टू रखते हैं, और अब मैं पूछता हूं कि भाई इसका अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम, अभी जो हमने बोला एम वन एम टू फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ठीक है, इनका फ्री बॉडी डायग्राम, तो कैसे बनाएंगे, एम वन को अलग करेंगे एम टू को अलग करेंगे और इसके ऊपर जितने फोर्सेस हैं सबको एनालाइज करेंगे. ठीक है, जैसा हमने अभी पहले भी किया है, तो एक बार करके देख लेते हैं और फिर और पॉइंटर्स लिखते जाएंगे नॉर्मल के बारे में. तो यहां पे अगर मैं दोनों ब्लॉक्स को अलग अलग कर लेता हूं तो तीन चीजें हैं, एक है एम वन, दूसरा है एम टू अलग किया और तीसरा है जमीन. इन तीनों चीजों को अलग अलग कर दिया, M1 को अलग किया, M2 को अलग किया, जमीन को अलग कर दिया. अब हम देखते हैं इसके ऊपर जो पहला फोर्स जो हमें पता है, जो नोन है, वो है वेट, तो लगना ही लगना है M1g. दुनिया में कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, अभी हम यहाँ पे वेट नहीं दिखा रहे थे बट यहाँ पे अभी मैंने बोला है फ्री बॉडी, मतलब जितने फोर्सेस है सबको बताना है. तो पहले तो हमने वेट बना दिया, दूसरा ये वाला सरफेस, दिस सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट विद दिस सरफेस, देयरफॉर इस सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. तो हम यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से लगाएंगे और ये सरफेस इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा इस तरीके से, और उसको हम नाम दे देते हैं N1, इसको नाम दे देते हैं N1. अब इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर क्या है, इसका सरफेस ये वाला सरफेस और दूसरा सरफेस ये, तो ये सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा कुछ इस तरीके से, इसको हम नाम दे देते हैं N2, और ये जो है ब्लॉक इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इसको भी हम N2 बोल देते हैं. एंड देयरफॉर यहां पे एक अगला पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं वो है फॉर डिफरेंट
सरफेस, जैसे वहां डिफरेंट स्ट्रिंग था, यहां पे डिफरेंट सरफेस नॉर्मल विल बी डिफरेंट, नॉर्मल फोर्स विल बी डिफरेंट. अब मजेदार बात है, अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये भी कांटेक्ट में था, ये भी कांटेक्ट में था, अब इसके ऊपर नॉर्मल क्या लगेगा? ठीक है, ये भी कांटेक्ट में था, ये भी कांटेक्ट में था, तो इसके ऊपर नॉर्मल क्या लगेगा? नाउ जैसा मैंने स्ट्रिंग में बताया था, जैसा टेंशन के केस में बताया था, यहां पे इस पूरी चीज के ऊपर अपने आप ही ब्लॉक जो है एक दूसरे से ना दूर जाएगा ना एक दूसरे को धक्का मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि वेट तो नीचे की ओर लग रहा था. तो भाई ये आपस में अगर ऐसे रखा हुआ है और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है बाहर से, तो क्या होगा? इसके बीच में कोई नॉर्मल फोर्स भी नहीं लगेगा, मतलब इस सरफेस, दोनों सरफेस के बीच में कोई नॉर्मल नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ये इंटरनल इसके बीच में कोई नॉर्मल नहीं लगेगा. नॉर्मल जो है इसके बीच में क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल नहीं था. लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा देता एफ, या फिर इधर से लगा देता किसी भी डायरेक्शन से, जैसे ही मैं लगाऊंगा वैसे ही इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल लगने लग जाएगा. अगर एफ लगा हुआ है तो एफ मैं इधर की ओर ड्रॉ करूंगा, और मैं यहां पे मान लो मैं नॉर्मल हो जाता हूं, तो इस ब्लॉक को मैं इधर धक्का मारने की कोशिश करूंगा, एंड दिस शुड बी नेम्ड एज एन थ्री, और इसको इधर धक्का मारने की कोशिश करूंगा एन थ्री. और तो अब ये तब लगेगा, और ये नोट करना, जब तक एक्सटर्नल फोर्स, पहले वाले केस में क्या था, mg की वजह से नॉर्मल लग रहा था, मतलब जमीन पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जमीन हमेशा एक नॉर्मल फोर्स तो लगाएगा बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेकिन अगर सिंपली दो ऑब्जेक्ट टच में रखा हुआ है और इस तरीके से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब अगर मैं इस फोर्स को हटा दूं, तो इन दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल नहीं लगेगा. जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तब तक इन दोनों सरफेस के बीच में, इस सरफेस के बीच में कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं लगने वाला है इन दोनों सरफेस के बीच में. एंड अगेन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, वो हमेशा ट्रू है कि भाई ये सरफेस रखा हुआ तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्सेस लगेंगे. ठीक है, तो नॉर्मल की बात क्लियर हो गई? यस नो? चलो तो आज कोशिश करते हैं, क्लास में क्वेश्चन रहने देते हैं, हम अगले क्लास में क्वेश्चन पिक करेंगे. बट अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें करी हैं, वो उसमें हमने न्यूटन के लॉस की बात करी, हमने बात करी कि किस तरीके से न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो इक्विलिब्रियम की बातें करता है, और फिर हमने बात करी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस की. तो आज हम यहीं पर रहने देते हैं, अगले लेक्चर में हम जो स्टार्ट करेंगे तो विल टॉक अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चंस, एंड देन विल मूव ऑन टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि इस चैप्टर में 80-90% चीजें न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अराउंड इर्द गिर्द घूमती रहती हैं. ठीक है, तो आज ज्यादा लोड नहीं करूंगा थ्योरी से, आप केवल इसको कंज्यूम करो, इस चीज को प्रैक्टिस करो. फ्री बॉडी डायग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जितनी भी हम फिजिक्स में बात करें फ्री बॉडी डायग्राम का महत्व सबसे ऊपर होता है, बिकॉज अगर आपको फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना आ गया, फोर्सेस को सही सही ड्रॉ करना आ गया, तो फिर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो जाता है. या तो नेट फोर्स जीरो होगा या नेट फोर्स एम ए के बराबर होगा, जो हम अगले लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में सीखेंगे. ठीक है, ओके, चलो ऑल द बेस्ट बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय, टेक केयर.